स्मार्टफोन से खुद का वीडियो शूट करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना यह तो आजकल आम बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे आर्मी के जवानों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो ने सभी को बड़ी उलझन में डाल दिया है। एक जवान ने उन्हें दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी के बारे में सवाल उठाया तो दूसरे ने आरोप लगाया कि उसे वरिष्ठ अधिकारियों के घर पे बर्तन साफ करना पड़ता है। ये है 29 29 BNBSF का जवानों का नाम। इससे आर्मी के अनुशासन पे सवाल उठने लगा है, लेकिन जवानों पर अपनी शिकायतें ऐसे तरीके से सार्वजनिक करने की नौबत आई ही क्यों? आमतौर पर किसी जवान को कोई शिकायत हो तो वह क्या करता है? ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम फौज में है। क्या एक जवान हो या जूनियर हो वो अपना कंप्लेंट नहीं कर सकता है? हाँ कर सकता है, उसके लिए एक पूरी सिस्टम है। सिस्टम मतलब आप डिफेंस मिनिस्टर को भी कंप्लेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन उसका चैनल है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत बताते हैं कि जवानों की शिकायतों का हल भी निकाला जाता है। वरिष्ठ अधिकारी अपने बटालियन के जवानों का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो शेयर करने को वह अनुशासनहीनता मानते हैं। इस दायरे के बाहर हमारे जवानों ने और आर्मी ने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, रिलेटेड टू राइट लाइफ एंड डेथ। उस पर जो एक्शन आपको आर्मी एक्ट के मुताबिक लेना है तो वो तो फौज ले सकती है, लेकिन साथ ही उसके जो कंप्लेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट करके उसको राहत देने का भी काम आर्मी ने करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतों का वीडियो पोस्ट करने वाले जवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन जवानों को ऐसा करने की नौबत फिर से ना आए इसका भी ख्याल आर्मी को रखना चाहिए। चला जाता है, कहां जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। गवर्नेंस नाउ के लिए कैमरामैन करण जेठवा के साथ गणेश देवकर, मुंबई।